आज के वीडियो में हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल चीजी गार्लिक ब्रेड, जो कि बाहर से परफेक्टली क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और साथ ही में हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक चीज डिप भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ओरेगानो सीजनिंग बनाएंगे। तो उसके लिए 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून बेसिल, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और चुटकी पर नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये ओरेगानो सीजनिंग तैयार है। अब हम एक बर्तन में 1 कप मैदा डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ईस्ट, 2 चम्मच ओरेगानो सीजनिंग और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 5 से 6 कली लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी के बजाय दूध से गूंदे गए आटे की ब्रेड ज्यादा सॉफ्ट बनती है। ये थोड़ा सा ऐसे हाथ में चिपकेगा, लेकिन हमें ऐसा ही सॉफ्ट आटा चाहिए। अब हमें इस आटे को 10 मिनट के लिए मसलना है। तो हम इस आटे को किचन प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे और इसे मसलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से खींच खींच कर मसलना है। इसे कम से कम 10 मिनट के लिए मसलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो ब्रेड है वो अच्छी सॉफ्ट बन पाएगी। तो यहाँ पे इसे चेक करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो उसमें आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इस तरीके से हाथ में इसको खींचना है, और अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब कि ये अभी तैयार नहीं है और हमें इसे और मसलना है। तो अब वापस से इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टुकड़ा उठाएंगे और इसे इस तरीके से खींच कर देखेंगे। हाँ, तो अब ये नहीं टूट रहा है और ये अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये तैयार है। तो हम क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और गोला बनाकर रख देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल डालेंगे और ऑलिव ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसे ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे बाद हम देखेंगे आटा साइज में डबल हो गया है। तो हम इसमें इस तरीके से पंच करेंगे और सारी हवा निकाल देंगे। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पर मकई का आटा छिड़केंगे, इसका गोला बनाएंगे और इस डो को अपने हाथों से खींचकर पतला बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसके आधे हिस्से में क्रीम चीज़ लगाएंगे, ये चीज़ अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो चीज़ डालने के बाद हम इसके उपले हिस्से को इस तरीके से बंद कर देंगे और इसके किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। ध्यान रखें आप इसके किनारों को अच्छी तरह से चिपकाएं, वरना जब हम इसे ओवन में डालेंगे ये खुल जाएगा और सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो अब एक बेकिंग ट्रे में हम एक पार्चमेंट पेपर रखेंगे, पहले थोड़ा सा ओरेगानो सीजनिंग डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपनी गार्लिक ब्रेड रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा और मक्कई का आटा छिड़क देंगे। मक्कई का आटा ही इसका सीक्रेट है, जो ऊपर का लेयर क्रस्टी बनाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरेगानो सीजनिंग और अब हम एक बाउल में 2 कली लहसुन और 3 चम्मच बटर डाल के गार्लिक बटर तैयार करेंगे। और अब इस गार्लिक बटर को हम गार्लिक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। बटर को अच्छे से स्प्रेड करें। अब हम इसमें काटने के निशान बनाएंगे। तो इसको पूरा नहीं काटेंगे, सिर्फ काटने के निशान ही बनाएंगे। अब हम इस ब्रेड को 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे और तब तक हम गार्लिक ब्रेड के लिए एक चीजी डिप बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में 1 चम्मच बटर डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे और मैदा को 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसे लगातार चलाते हुए 1/2 कप दूध डालेंगे।
इसे लगातार चलाते रहे और कुछ ही देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 1/3 कप प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चीज़ पूरा पिघल जाएगा और ये हमारा चीज़ी डिप तैयार है। और ये हमारी गार्लिक ब्रेड भी तैयार है। तो ऊपर से थोड़ा सा पिघला हुआ बटर लगाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।